हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल नितिन में। पिछली बार मैं बजाज के शोरूम में गया था और वहाँ पे जितनी बाइक्स थी सभी के रिव्यू करा थे मैंने। और इस बार मैं हूँ TVS के शोरूम में। यहाँ पे बहुत सी बाइकें हैं, आप देख सकते हो सामने बहुत सी बाइक यहाँ पे हैं। और मैं इन सभी के रिव्यू तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बाइक का रिव्यू करूँगा, वो है TVS अपाची 160। और जो TVS जुपिटर है यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने उसका रिव्यू कर दिया है और मैंने वो अपलोड भी कर दिया है। उसके प्राइस, टॉप स्पीड सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। आप जाके मेरी साइट पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ TVS की 160। दोस्तों, मैं आपको इसकी टॉप स्पीड और प्राइस दोनों बताऊँगा, डेली ऑन रोड प्राइस तक बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक लुक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट डिस्क के साथ जो इसके प्राइस है वो है 87,000 के अप्रॉक्स, मतलब 87,000 के आपके पड़ जाएगी। ये मैंने फ्रंट डिस्क के बताए, वो भी ऑन रोड हुई डेली के प्राइस। अगर रियर डिस्क की बात करें तो वो है 90,000 के अप्रॉक्स, मतलब 90,000 की आपकी पड़ जाएगी। दोस्तों, बात करें इसके इंजन की, तो इसका इंजन है 160 सीसी का। अगर हम नाम लेते हैं अपाची 160, तो आप समझ जाना चाहिए कि 160 का इसका इंजन है। और इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक है 16 लीटर का, 16 लीटर तेल इसमें आ जाता है पेट्रोल, और 2.5 लीटर ही रिजर्व कर लेती है, मतलब 2.5 लीटर बच जाता है इसमें। और जो इसकी जो एवरेज है माइलेज, एक तरीके से हम बात करें तो इसका है 35 का एवरेज। और टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड है 118, मतलब 118 तक ही चली जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि 118 तक चली जाती है, तो मैं आपको इसकी टॉप स्पीड दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी टॉप स्पीड, ये 118 तक चली जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो बाइक है ये BS4 बाइक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये BS4 बाइक है। BS4, ये देखिए ये लिखा हुआ फोटो आप देख सकते हो। और इसकी BS4 की पहचान है, जैसे ही हम इसमें चाबी इंसर्ट करेंगे, चाबी लगाएंगे, ये आगे की लाइट जो है वो जल जाएंगी। और अगर आपको तब भी शांति ना मिले तो आप डीलर से पूछ लेना कि BS4 बाइक है, तो वो बता देगा आपको कि हाँ जी, जितनी भी BS3 बाइक है वो हमने सब निकाल दी है, ऑफर में दे के सब बाइक जो स्टॉक है ख़त्म कर दिया है, जितनी BS4 हैं सब यहीं पर हैं। और फिर यही है BS4 की पहचान। अब BS4 है क्या? BS4 है, BS की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। BS की फुल फॉर्म है भारत स्टेज। ये एक पैमाना होता है, मतलब एक स्केल होता है, ये नापता है पोल्यूशन को। BS4 मतलब 4 वाला लेवल है इसका, मतलब कम पोल्यूशन। 3 लेवल नापेंगे BS3 तो ज़्यादा पोल्यूशन, ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ते चलेंगे 3-1 तक, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। तो BS4 है तो मतलब कम पोल्यूशन फैलाता है। और एवरेज में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई इस बाइक में, वही एवरेज है, सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी इसमें टेक्निक उसमें सुधार कर दी गए हैं और सब कुछ सही कर दिया इसमें।
दोस्तों आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब दे दूंगा। और अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अपलोड करूंगा, वो है यामा की R15। मैं शोरूम में जाऊंगा यामा के और वहाँ से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा दूँगा। अगर आपके मन में सवाल है कि वो वाली बाइक के रिव्यू करिए, तो मैं उस शोरूम में भी जाके अब तक पहुंचा दूंगा ये बाइक।